अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खीमा पाव। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो खीमा लिया है हमने, इसे धो के रख लिया है। एक कप भर के कोथमीर लेंगे, सोवा भाजी है 3 टेबलस्पून, 10 हरी मिर्च है, 4 कांदे लिए हैं हमने चॉप करके रख लिया है, 1/2 कप मटाना है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 10 से 12 काली मिर्च, 2 तेज़पत्ता, नमक और गरम मसाला, 1 टीस्पून 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी। पहले हम पैन में 1/2 कप ऑयल डाल लेंगे, तेज़पत्ता, काली मिर्च और हरी इलायची डाल लेंगे। अब इसमें चॉप्ड ऑनियंस डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे, इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक हम हरा मसाला बना लेते हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इससे आपके खीमे में ग्रीन कलर आएगा। हरी मिर्च और कोथमीर का पेस्ट बना लेंगे। जब कांदा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम खीमा डाल लेंगे, नमक डाल लें ताकि कोई लम्स ना रहे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे। ये मशीन का खीमा है तो ये बहुत जल्दी पक जाता है। इसमें हल्दी डाल लेंगे, हल्दी डालने से भी बहुत अच्छा ग्रीन कलर रहता है खीमे में, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी डाल रहे हैं। हरे मसाले का पेस्ट डाल लेंगे, हरी मिर्च और कोथमीर का पेस्ट है ये, वटाने डाल लेंगे पूरे, ड्राई मसालास डाल लेंगे इसके अंदर, ज़ीरा, धनिया और हरी इलायची का पाउडर डाल लिए हमने। सोवे की भाजी डाल लिए, कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर लास्ट में डाल लेंगे। अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जब ऊपर तेल आ जाए तब हम गैस स्विच ऑफ कर लेंगे और इसे हम नींबू और पाव के साथ सर्व करेंगे। आपका खीमा पाव तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।